एवरीवन, वेलकम टू मेरी किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो की बर्फी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कटोरी मैंगो पल्प, एक कटोरी बेसन थोड़ा सा कम, एक कटोरी में थोड़ा कम शुगर, बेसन और शुगर बराबर रहेगा, कुटी हुई इलायची, 3 टेबलस्पून घी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, चाहे तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में मैंगो पल्प डाल लेंगे। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने पर उसमें घी डाल देंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे, बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है, कंटिन्यूस में चम्मच चलाते रहना है और इसे तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है तो इसे और चलाना है। अभी ब्राउन हो चुका है तो इसमें मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। अब इस पेस्ट को कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें घी ना छोड़ दे। एक कटोरे में हम घी ग्रीस करके रख लेंगे। इस पेस्ट को चलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें घी छोड़ चुका है। अभी इस स्टेज में इसमें हम इलायची कुटी हुई डाल लेंगे, अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाना है। अब एक कटोरे में काजू स्प्रिंकल्स कर लेंगे। अब उसमें इस पेस्ट को डाल लेंगे। अब इसको चारों तरफ बराबर से जमा देना है। ये जम चुका है। अब इसमें ऊपर से काजू डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसी तरीके से इसको 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। ये देखिए मैंगो बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कट करके सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखिए बहुत टेस्टी मैंगो बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। ये जितनी देखने में टेस्टी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।